हो चुकी है सर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वी ऑल हैव ईस्टर हॉलीडेज। ध्रुव की हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं एंड मेरे हस्बैंड की भी ऑफ्स हैं फॉर लाइक फोर डेज फॉर अप्रॉक्स 4 डेज। ईस्टर होता है यहाँ पे, सो ईस्टर जैसे क्रिसमस होता है वैसे काफ़ी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे, तो उन दिनों पब्लिक हॉलीडेज होती हैं। सो स्पेशल ये है कि हम लोग हॉलीडेज पे जा रहे हैं। बहुत बिजी रहती है इस टाइम पर रोड, क्योंकि मोस्टली सभी लोग हॉलीडेज पे जाते हैं इस टाइम पे। वी आर गोइंग टू ऑकलैंड एंड वी विल शो यू अराउंड द प्लेस। तारो, एनीथिंग यू वांट टू से? कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं। बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारी पैकिंग मेरे प्यारे पति ने ही करी है। हाँ। मैंने कुछ नहीं करा है। हाँ, और ये देखो पत्नी के तौर पर, और ये देखो, दिखाओ मेरे को। दिखा दिया, जा रहा हूं ड्राइवर। तुम्हारा? मैं जा रहा हूं पूरा ड्राइवर की तरह। ड्राइवर नहीं, क्यों? अच्छे तो लग रहे हो ड्राइवर, इतने स्मार्ट लग रहे हो। और ये जाएगी, ये है हमारी सबसे स्मार्टेस्ट बेबी, है ना। अपने अच्छे से कंफर्टेबल क्लोथ्स में रेडी हो चुकी है फॉर द लॉन्ग ट्रेवल। फर्स्ट टाइम लॉन्ग ट्रेवल टू, वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग टू, सबसे स्टाइलिश बच्चा ये है हमारा स्मार्टेस्ट बॉय स्मार्टी। जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ से, तो हॉक्सबे से रोड ट्रेवल, रोड जर्नी रहती है अप्रॉक्स 4 या 5 आवर्स की जर्नी है। बट हम लोग वी विल टेक अ लॉट ऑफ स्टॉप्स। हाँ, 6-7 घंटे लग जाएंगे अप्रॉक्स, क्योंकि छोटा बेबी है साथ में, तो उसको कार सीट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बैठा भी नहीं सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। सो वी विल बी स्टॉपिंग इन बिटवीन एट डिफरेंट स्टॉप्स, उसके थोड़े से लेग्स वगैरह गाड़ी से निकाल के थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए। सो वी विल बी शोइंग यू एज वेल द प्रिटी सीनिक व्यूज। अभी मैंने ना गर्म पानी कर लिया है, ये सब मैं रेडी कर रही हूँ, बाकी सब कुछ तो रख ही लिया है, खाना वगैरह रख लिया, थोड़ा सा चिप्स रख लिए हैं, बाकी पैकिंग सारी गाड़ी में जा चुकी है। बट ये अभी फ़िलहाल मैं बॉटल भर रही हूँ गर्म पानी से, क्योंकि बेबी के मिल्क के लिए, वैसे मैं इसको अपना ही मिल्क पिलाती हूँ। मैंने एक डब्बा रखा है जो फॉर्मूला मिल्क होता है, उसका मैंने एक डब्बा रखा है, अगर बाय चांस रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी ना। बाकी के पानी की बनेगी चाय रास्ते के लिए। ये रेडी हो चुका है, ये वाले में जाएगी हमारी चाय रास्ते के लिए थोड़ी सी। मैंने अदरक कूट के रख दिया है ऑलरेडी, खूब सारा अदरक। थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ चालू हो चुकी हैं, तो सर्दियों में अदरक की चाय तो बहुत अच्छी लगती ही है, बहुत ही अच्छी लगती है। वो रस्ते के लिए मैं बना रही हूँ अदरक की चाय। बस नाउ वी आर जस्ट रनिंग अ फाइनल चेक और निकल रहे हैं घर से। क्या करना है? ये सब नहीं चाहिए, ये रख लिया मैंने जितने रखने थे, एक ये रख लिया, एक सुधर रख लिया और बाकी 3 बॉटल्स रख लिए। बस एक फाइनल चेक कर लेते हैं। गैस बंद है हमारी और सेफ्टी चेक। बंद है ये हालत रूम की, थोड़ा ठीक कर देना था वैसे, ये उधर से ज़्यादा खींच गया। अब चलो जैसा है, बस अब चलते हैं
लाइट्स ऑफ। तुमने चाय नहीं रखी? ये हमारी बेटी सेट हो चुकी है अपनी सीट पे, और इसके साथ बैठेगा इसका भैया इसको एंटरटेन करने के लिए। हाँ, करेगा इसको एंटरटेन ना। हाँ, और अब ये मैं इसको आगे पीछे करने का पूरा सिस्टम जान गया हूँ। बस अब हम लोग निकलेंगे और आपको मिलते हैं बीच में रास्ते में। सो गाइस, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, थोड़ा देर हो गई करते 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 करते। सो दिस इज द व्यू एंड ही इज द वन हु इज ड्राइविंग, और सब बच्चे भी सेट हो चुके हैं अपनी अपनी जगह पर अच्छे से। ध्रुव से हाय। हाय। रीत भी हमारी सेट हो चुकी है, ये इधर उधर गाड़ी में से, उसको ना गाड़ी में बड़ा अच्छा लगता है इधर उधर देखना। और निकल रहे हैं अपने शहर से बाहर थोड़े से टाइम रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए। हमें बहुत टाइम हो चुका था, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था ट्रैवल किए हुए, एज इन लाइक हॉलीडेज के लिए अप्रॉक्स आई थिंक 2 years ही हो गए होंगे। बारिश हो रही है, मैं ये बताना भूल गई थी आपको, बारिश भी हो रही है, चालू हो गई है थोड़ी थोड़ी बारिश। शुभारंभ हो गया है, भगवान जी ने बोला है कि तुम्हारे जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं शुभारंभ कर देता हूँ। और वर्षा का आगमन भी हो चुका है, वर्षा आ चुकी है। रास्ते में ना गाइस मुझे एस्कडेल दिखा था, अभी जब हॉक्स बे में ना बीच में वो आया था फ्लडिंग हुई थी हॉक्स बे में जहाँ हम रहते हैं, मतलब हम सेफ जगह पे थे, बट बहुत सारे घर ऐसे, मतलब बहुत सारे एरिया ऐसे थे कि जहाँ पे मतलब घर बिल्कुल फ्लड में बिल्कुल तहस नहस हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब टूट फूट हुई है उनमें। और एस्कडेल में तो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो मुझे अपनी छतें तोड़ के वो देखो घर दिख रहा है बिल्कुल, ये फ्लडिंग में ही ऐसी हालत हुई है इसकी। अपनी छतें तोड़ के भागना पड़ा। हाँ, मतलब छतें तोड़ना, मतलब वैसे हमारे उसमें अजीब लग रहा होगा कि भाई छत कैसे कोई तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं इसलिए छत को तोड़ पाए लोग, और छत तोड़ के उधर कई लोग खड़े रहे या कुछ मतलब और चीज़ साथ में लेके बारिश में भीगते हुए बचे, हेलीकॉप्टर्स ने आके बचाया फिर। हाँ, तो मतलब बहुत बुरा हाल हुआ था कई कई जगहों पे, मोस्टली जो थोड़े से ज़्यादा फ्लडिंग प्रोन एरियाज रहते हैं। तो अभी आई थिंक आपको मैंने जो घर दिखाया था जिस तरीके का, बीच में काफ़ी सारे मुझे घर दिखे थे, मैं वीडियो नहीं बना पाई, दीवारें टूटी हुई हैं पानी से। और एस्टेल वैली है, मतलब उसमें पानी अंदर ज़्यादा डीप, मतलब ऐसे डीप में है थोड़ी सी आई थिंक वैली वो। क्या चल रहा है पेट्रोल का, दिखा होगा पता नहीं आपको, दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, आगे भी है मोबिल है, वो बीपी था, ये मोबिल है, इस पे क्या रेट चल रहा है देख लो। यहाँ पे फ्यूल स्टेशंस पे ना अलग अलग रेट रहता है इस तरीके से, और वो मैंने आपको 2 फ्यूल स्टेशंस दिखाए थे रास्ते में, मोबिल और बीपी। और आपको रास्ते में जर्नी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ऐसे फ्यूल स्टेशंस, क्योंकि कई जगहों पे जैसे जहाँ पे रास्ते में अगर आपको कोई शॉप्स नहीं मिल रही हैं, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, फूड आइटम्स मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द फ्यूल स्टेशंस में, तो खाने पीने का आपको दिक्कत नहीं आती है अगर रास्ते में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है यहाँ पे। तब तक आप थोड़े से व्यूज़ देख लो रास्ते के, सीनिक व्यू स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग स्टेट हाईवे पे हैं अभी एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स टाउको, रास्ते में पहला पड़ाव हमारा टाउको रहेगा एंड आई थिंक वी विल बी स्टॉपिंग देयर एज वेल। हम लोग पहले टाउको रहे हुए हैं, वी लिव देयर अप्रॉक्स अराउंड 8 to 9 months वहाँ रहे हुए हैं। बहुत छोटी सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, सो वहाँ रुकेंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमें सो गाइस हम लोग टाउको आ गए हैं, अब
हम यहाँ सबवे भी है और जेड फ्यूल स्टेशन है ये। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं पंपिंग भी करनी होगी अगर फ्यूल की, तो वो भी कर लेंगे। और एंड वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो यहाँ से कुछ खाने को भी लेंगे। साइड में होगा यार पार्किंग करने का? नहीं पार्किंग का तो है, यहाँ को निकालो ना, जैसे जहाँ ये निकालो। ओके पेट्रोल तो पीछे बनवाना था ना फिर। गुल्लू गुल्लू व्हाट यू डूइंग, यू डोंट लुक सो हैप्पी डू यू, यू हैप्पी, यू हैप्पी, हैप्पी गर्ल। ये दरवाजा बंद करो। चलो व्हिच वन इज सदर्न स्टाइल, maybe two those and one that. Yeah the bottom one, wheat one, wheat. We were so damn hungry at this point, so we stopped at Subway Tauhara in Taupo and we ordered our sandwiches and we got amazing customer service with real quick food. Looks yummy. I'll have some onions, mm-hmm. some carrots, and yeah. gherkins. Gherkins. Did you want some cucumbers? No. That's fine. And this one? Jalapenos and some lettuce. Yeah. Sorry about that, I should have asked you before. Why it is अभी तीन बज चुके हैं दिन के और ये हमारा पहला, हाँ चार बज चुके हैं दिन के, ये हमारा फर्स्ट मील है ऑन द वे। करीब आधा घंटा हो गया मैं यहाँ पे रुके हुए ना, मैंने थोड़ा सा फीड करवाया बेबी को और अब वो उसको सेट करने के बाद अब हम खा रहे हैं अपना सबवे। बंद करो।